नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जय जोहार, मैं रानू निषाद फिर अपन माई भाखा में आप सबों के बीच में हमर तीज तिहार रीति रिवाज परंपरा ले जुड़े आध्यात्मिक और धार्मिक कहानी कंथली के साथ। ता आज जेन कथा के चर्चा करबो हमन ते घातक सुंदर कथा है। काय कथा है? सुआ की कथा है कि सुआ अगर नहीं रहती ते राम राज्य के स्थापना नहीं होती, लव कुश के कथा नहीं बनती। ए ढंगले राम राज्य की स्थापना में जो सुआ के महत्वपूर्ण भूमिका है तेला आपके बीच में रखे जही रखे के कोशिश करूं। कबर की सुआ हमर संगवारी है, अभी से नहीं आदि काल से। सुआ कहां कहां कबू राजा महाराजा के संग दे, देवी देवता के संग के संगवारी रही से, राजा महाराजा के संग के संगवारी रही से, और यहां तक कि जब भारत हमर भारत देश आजाद नहीं हो रही से, ता भारत के आजादी दिलाए में घलो सुआ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एकरे सिटी हमन तो कहता ना हमर सुआ हमर संगवारी है, ऐसे तो ना कही देबो। कबर वो हमर सुख दुख के साथी है हर क्षेत्र में, और सिर्फ माई लोगन के नहीं, ये पुरुष लड़का बच्चा बूढ़ा सब के संगवारी। ता अब एक बड़ सुंदर कथा कहानी जे हा नानेपन में महूला मोर दादाजी द्वारा बताई गई रही से, और चूंकि ये धर्म पुराण के बात है। कबर की कोई भी जतका भी हमन तीज तिहार रीति रिवाज मनाथन वो कोई ना कोई धर्म पुराण से जुड़े ही रहे रहते। कबू कबू वो सुनत सुनत एक दूसरा से स्थानांतरित होत 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 लोकपुट के स्वरूप ला ग्रहण करते। और वही कबर जतका सरल सीधा सटीक शब्द हमला बताया जाए या हम सुनबो वो अतका जल्दी आत्मसाद हो। तब ही कहानी है। और चूंकि मैं कोई ज्ञानी और विद्वत नो हरू, जे कहानी कंथली सुने हूँ पढ़े हूँ वही बोले को कोशिश करत हूँ। तो ये त्रेता युग के बात है रे, जे समय में राधा रानी सीता माता नानचू रही थे। त्रेता युग में वही त्रेता युग जिमें श्री रामचंद्र जी के जन्म हुई, और रामचंद्र जी अपन माता पिता के आज्ञा ला सिरोधार्य करके 14 बरस के लिए वनवास निकली। वनवास में माता सीता रही, भैया लक्ष्मण रही, और जैसे वनवास भोगत रही से वे, ता वनवास भोगे के समय में दशानंद रावण माता सीता के हरण कर लीस। और जब हरण करीस ता रावण ला से विजय प्राप्त करके भगवान रामचंद्र जी राम राज्य के स्थापना करी। तब ही समय की ये कथा है रे। और जब त्रेता युग में माता सीता हा नान्हे रही, छोटे रही सीता, सीता से एक ऐसे सीता माता सीता से एक ऐसी चूक हो गई। चूक तो हो ही नहीं सके चूंकि वो मन तो भगवान रे, देवी देवता रे, लीला करे बर आते, नाटक करे बर आते। लेकिन जब लीला करना है, नाटक करना है, तो जे सही नहीं है तेला सही बना के दिखाना रहते। कबर धर्म की स्थापना करना है, मर्यादा की स्थापना करना है, राम राज्य की स्थापना करना है, तेकर वजह से नानचू रहे रहते सीता हा। और सुंदर अपन बगिया में टहलत रहते, घूमत रहते, सुंदर सुंदर बगिया में बड़ सुंदर सुंदर फूल खिले, का गोंदा, का चंपा, का चमेली, आमा मऊरे है, आमा में छोटे छोटे नान नान फूल लगे है, सुंदर दिखत है। और ओकर मनोरम दृश्य ले माता सीता हा जे नाने ते ओकर आनंद लेते रहे रहते। वही समय एक ठन तोता उ तोती है सुआ उ सुहोनी नहा आके आमा के टहनी में डंगाली में डारा में बैठ जाते। अब बैठ जाते ता सुआनी नहा जो मिट तोती रहे रहते ते हा अपन तोता ला सुंदर कहानी बतात रहते। कंथली ला कहत रहते कि सुन सुआ, मैं हा राजा राम जे अयोध्या नगर के राजा बनी तेकर कहानी तोला सुना। तो सुआ कहते हाउ ले सुना।
सुवन इन बता कही थे कि राजा अयोध्या राजा दशरथ जे अयोध्या के राजा है तेकर बेटा है चार जन बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और जे में राम के बिहाव इंचे के बेटी सीता के संग में हो ही और राम अतका सुंदर है राम एला पहने है राम ओला पहने है राम ऐसे दिखी राम वैसे दिखी जितना भी ओकर स्वरूप है ओकर चित्रण खुशी खुशी वो तोती हा अपन तोतल बतात रहे रथे और वही कर रहे रथे माता सीता नानी सीता सुनत रथे कहते अरे यही मोर कहानी है का ये तो मोर कहानी ऐसे लागते ऐसे के वो मन में गुणत रहे रथे सीता हा। अब धीरे से वह संतुष्ट हो जाते जान जाते कि नहीं ये मोरेज कहानी कतका सुंदर कहानी बताते मन ललचा जाते माता सीता के काबर वो सुवनिन बर तो तीन बार माता सीता के मन ललचा जाते और जे कहानी बताते तेल चुप पे जाके अपन द्वारपाल अपन सेना मंत्री चेला चंगुरियाल बोल के वो सुवनिन ला पकड़ लेते धर लेते धर के लानते अपन महल में और सुंदर बड़े जन ओकर बर सोन के महल सोन के पिंजरा बनाते और पिंजरा मोल डाल लेते और कहते कि सुवनिन तोती ते मोर कर रहे रहा और तोला ते जे बोलबे जे खाना बोलबे तेला तोला सोना थाली में जेवन जेवहूँ तोला जे आनी बानी खाऊँ कभी तो ओला खवाऊँ तोर जो भी इच्छा है सब ला करूँ बस ते मोला सुबह शाम राम कथा सुना देबे ये जेन कथा कहा था तेला सुना देबे और ये कथा ला ये सुआ सुनिन कहाँ कैसे सीखी तुआ सुनिन यहाँ आए से पहली बगीचा में आए से पहली वेद अभ्यास जी के माफी चाहूँ ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहत रहते कबर रामायण वाल्मीकि कृत रामायण ता रामायण रामायण के लेखक वाल्मीकि के आश्रम में सुआ सुनी रह रहते कबर इसे हमर विद्वत जनमन कहते कि रामायण ला रामायण चरित्र होए से पहली रामायण के रचना हो चुके रही लिखा गए रही सुहा कापी में लिपिबद्ध हो गए रही इसमें त ये ढंग ले सुआ और जो सुवनी रह रहे वह वाल्मीकि के आश्रम में रहा ये ढंग ले रोज के राम कथा चलत रहे तो सुने रहा है तभी कहानी लोहा जान के उल बतात रहे रहते अपन सुआला। अब ये राधा सीता कही थे कि ते मत जा ते रोज के मोला कहानी सुना देवे सुवनिन कथे नहीं सीता रानी मोला जान दे कबर की उस समय में वो जो सुवनी रह रहे तोती रह रहे ते अम्मल में रह रहे पेट से रह रहे और वो समय में ओला अपन सुआ के साथ समय व्यतीत करना रही थे ता बड़ अर्जी करते विनती करते कि नहीं मोला जान दे मोला कोई सोना के थाली में भोजन नहीं चाहिए ना मोला सोना के पिंजरा में मोल रहना है मैं जैसे भी अलवा जलवा जो भी खाना पीना मिली मैं अपन सुआ सन में अलवा जलवा खा कर रही लूँ हे सीता मोल जान दे। अब बड़ कलप थे अब्बड़ कलप थे माता सीता नाने सीता नहीं समझ पाए और बोला नहीं छोड़े नहीं छोड़े तो इसने करत करत दिन निकल जाते और दिन निकलत 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 अपन सुआ के विराह में वो तोती ना अपन प्राण ला त्याग देते और जब अपन प्राण ला त्याग देते ता सुआ आते खोजत खोजत मोर सुनिन का हो गए कैसे हो गए और जब वो सुनिन सुआ सुनिन ला देखते बड़ कलप थे बड़ कलप थे अब बड़ कलप थे और कलप कलप के कलप कलप के ओला एक ढले देखिए जाए ते एक माध्यम बनते वो जेला कहते बद्दुआ कह सक साफ नहीं बोल सकन काबर देवी देवता वैसे अनुशासन ला बनाए रखे बर श्राप घलो ग्रहण कर लेते लेकिन पहली ले रचे रही रचे हुए रही से वे अब वो कहानी ला जब तोती हा तोतल कहानी बता रहे जतका धूल ले सुने रहते तत्का धूला बता रहते वो तो वाल्मीकि रामायण में पहली ले अहू घटना लिखा जा रहे रहते बसरते ओला सुन नहीं पाए रहा है ता जो भी होते भगवान के मर्जी से ही होते ओकर निमित्त ही होते एमन सिर्फ माध्यम हमन सिर्फ माध्यम बनते जैसे सुआ माध्यम बनी। अब ए तड़पे लगी सुआ और कलप कलप के माता सीता ला बद्दुआ दिस की जा जैसे मैं अपन पत्नी भर कल्पत हूँ
आज ओकर प्राण निकल गए और आज वो अम्मल में रहीस, पेट में रहीस, वो ओकर मृत्यु हो गए। जा तहु हा जब ते हा गर्भावस्था रही त तोर पति की तोला त्याग दी। ऐसे गई के माता ला सीता ला बद्दुआ दे दी। और होते घलो वैसने जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए बनवास जाते माता पिता के आज्ञा सिरोधार्य करके, ताऊ राजा रावण हा जब ओला चोरी करके लेक जाते लंका में, अपहरण करके लेक जाते और जब वो राजा राम राम हा जब लंकापति रावण ला हरा के ओला मार के जब सीता ला लानते ओकर अग्नि परीक्षा हो जा रहे तिहन ले भगवान राम ओला त्याग देते। काबर काबर की जिन सुआ हा ओला एदे श्राप दे रहे थे या बद्दुआ दे रहे थे वही का बन थे। त्रेता युग में जब सीता और राम के बिहाव हो जा रहे थे तब वही धोबी बन थे। अब गाना एक निंदा धोबी के कारण निकाल दिए राम सीता ला बन में, तब वो धोबी बन थे। एक बार का होते जो धोबी और धोबनी त्रेता युग में रहे रहते त्रेता युग में राम के नगरी में, और धोबी एक दिन धोबनी ना अपन जैसे कि नृत्य क्रिया है, कपड़ा धोए काम है कहीं है ओकर करे बर वो सरयू नदी के ओ पार जा रहे थे। गाना गलो सरयू के तीर में अयोध्या, ता अयोध्या नगरी के तीर में सरयू नदी रहते ओकर ओ पार नहा के ओ धोबनी ना अपन काम ला करे बर जा रहे थे रोजी पानी करे बर। अब जाए रहते और वही डहा राम कथा चालू हो जा रहे थे, कथा चलत रह रहे थे, तब कथा सुने बार वहाँ बैठ जाते। अब बैठ जाते वही समय मूसलाधार बारिश हो जाते, बारिश होते तो आ नहीं सके। अब आ नहीं सके तो काय करे, रुक जाते रात कर, और रात का रुक जाते पानी थमते तब बिहानियाँ होते तब आते। त धोबी ओला नाना प्रकार के प्रताड़ित करते, मारते पीटते, और वो कर बाद ये भी बात कही देते कि मैं राजा राम नो हरो, मैं राजा राम नो हरो कि जे अपन पत्नी इतना दिन ले रावण लंकापति के रावण के राज में रही से वही से ओला अपना ली। आई जब ऐसे बोलते तो धर्म के स्थापना करे बर, राम राज्य के स्थापना करे बर, धर्म मर्यादा के स्थापना करे बर भगवान राम ला वो माता के परित्याग करल पड़ गई। ऐसे दृष्टि से देखे जाए कि राम एक गर्भवती स्त्री ला निकाली ता मन में इसे भाव भी आ सकते नहीं ये अच्छा नहीं करी, लेकिन ये तो सिर्फ निमित्त मात्र है, नाटक है, लीला है। और लीला नाटक ला देख के अगर हम संशय करवो ते हम मोह में जावे, तब नाटक लीला में ये नहीं देखना है कि का सही है का गलत है, ओला आत्मसात करना है कि वो कहाँ का चीज के शिक्षा हमला देवा थे। यही हमार धर्म पुराण ग्रंथ कहते, काबर की संशय करवो अतिशयोक्ति करवो ते फंसते जाबो फंसते जाबो। काबर की भगवान निर्गुण निराकार घलो है और सगुण साकार घलो है, सबों में भगवान ही है, हवे तहुम है नहीं है तहुम है वे। और भगवान जन काम करत है वो निमित्त मात्र है। ता ये जब कलप थे ता माता सीता के भगवान रामचंद्र जी अपन काबर की एक राजा बर प्रजा पुत्र के समान होते, पुत्र से के समान ही होते, और अगर वो सिर्फ अपन स्वार्थ ला देख लेती तो धर्म के स्थापना कैसे होते। ता इही ढंग ले धर्म के स्थापना करे पर भगवान रामचंद्र जी माता के परित्याग करते और गर्भावस्था में ओला जाल पड़ते और लव कुश रामायण के रचना होते। लव कुश रामायण बनी तो ये ढंग ले हम कही सकथन, और ये ढंग ले हम कहीतन कि राम राज्य के स्थापना में सुआ के महत्वपूर्ण भूमिका हुई। सब यही सुआ बाद में सुखदेव जी महाराज के नाम से जानेगी, जे कलयुग के जतका भी मनुष्य है तेला राम रूपी रसपान, राम रूपी अमृत रसपान ला पिया के जम्मो झन ला तारा थे वे। और एक सेती सुआ के नत्ता हमर से जुड़े हुए एक ठन और छोटे से बात है जे है हमर धर्म पुराण कही थे कि जब माता सीता हा के हरण हो जाते अपहरण हो जाते, कहाँ चले जाते वो राजा लंकापति रावण दुष्ट दुराचारी अत्याचारी जब अपहरण करके ले जाते ता अशोक वाटिका में रखते ओला। अब अशोक वाटिका अशोक के नाम का अशोक के अर्थ होते जे यहाँ शोक नहीं, शोक मतलब दुखी, अशोक मतलब बिना दुखी हंसी खुशी, लेकिन अशोक वाटिका के नीचे वृक्ष के नीचे रह रहे थे माता दुखी रह रहे थे।
और जब दुखी रह रहते तो वही कर सुहा एक ठा रह रहे जे राम 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 रट रट के एक डूबते हुए नौका ले जिसे सहारा मिलते हुए इसने माता के मल्ला धादस बंधाए। ए ढंगले सुहा कर घलो माता सीता हा अपन भाव ला रखे है और वो सुहा घलो माता ला सुख प्रदान करे लंका लंका के लंकापुरी में घलो और एक रेसिती गई थन कि सुहा हमार संगवारी है। हाँ सुहा हमार संगवारी है और सुहा एकर सिती कथा कहे जाते काबर की सुहा के नत्ता हमार और उकर जन्म जन्मांतर से जब जतका ये सृष्टि के जतका ये सृष्टि के उम्र है वत्ता ही पौराणिक और वत्ता ही पुराना सुहा वो हमार नत्ता है। तही भावना के साथ आशा कहवे ये कहानी आप अच्छा लगे हुई और त्रुटि पर आप सभी से एक ही भाव क्षमा 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 प्रभु।
¡Gracias!
Thank you.
यीशु